अब तो हद हो गई है। रोज रोज बेटियों की रेप की घटनाएं सुनकर कोठे पे बैसी बेस्याओं ने रोते हुए कहा कि अरे हरामखोरों, तुमको शरीर का हवस मिटाना है तो फ्री में आओ, मैं मिटाती हूं, लेकिन देश की बेटियों को बख्श दो। टीवी में दिखा रहा है कि एक टीचर है, एक छात्रा है, अपनी मतलब स्टूडेंट से प्रेम का प्रसंग दिखा रहा है। टीवी वालों को जी करता ना चप्पल लेके मारे 50 चप्पल खींच के। अब तो एकदम भाजपा का नारा ही बदल गया, बड़का झूठा पार्टी हो गया, BJP, बड़का झूठा पार्टी। इतना था तो गलीमत था, अब वो भी बदल गया है, बेटी जलाओ पार्टी। हम तो कह रहे हैं कि मोदी जी का इस्तीफा ही देश की सबसे बड़ी राहत पैकेज होगी। स्मृति ईरानी जी, जब 2012 में निर्भया कांड हुआ था तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेजी थी। तो स्मृति ईरानी जी, अगर आपके पास पैसा ना हो तो बताइए, हम लोग इकट्ठा चंदा करके भेज देंगे। जिस दिन औरतों के ऊपर माता और भगवती आने की बजाय फूलन देवी आना शुरू हो जाएंगी ना, बलात्कारियों का पैदा होना ही बंद हो जाएगा, उनका वंश ही खत्म हो जाएगा। एक मीडिया में है अर्णव गोस्वामी, रोज कहता है पूछता है भारत, ए हरामखोर तुमसे मैं पूछता हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल पॉइंट में। और आज दोस्तों बहुत ही संवेदनशील मैटर पे बात होने वाली है। अभी इस देश में हाथरस में जो कांड हुआ है उसी पे चर्चा होने वाला है, और उस चर्चे में वहाँ पे रेपिस्टों के समर्थन में जो लोग खड़े हुए हैं उन मर्दों को आज इस गुरुकुल पॉइंट चैनल में सर्जरी करके नामर्दों की श्रेणी में खड़ा करने वाले हैं। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रेपिस्ट आज देश में जो रेपिस्ट हैं यानी जो महिलाओं का बलात्कार करते हैं उनको बचाने के लिए समर्थन में जो लोग खड़े होते हैं, यकीन मानिए कि वो कोठे की पैदाइश हैं। मैं सच बता रहा हूं, कोठे की पैदाइश हैं। इस देश में जिस लड़की का बलात्कार होता है, चार लोग सामूहिक बलात्कार करते हैं, इस अस्पताल उस अस्पताल उसे भेजा जाता है, उसकी जीभ काट ली जाती है, गर्दन की हड्डी तोड़ दी जाती है, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है। इतनी विभत्स घटना होने के बाद जिन रेपिस्टों ने उनका रेप किया उस बच्ची का, उसको बचाने के लिए इस समाज के लोग खड़े हुए हैं, उन नामर्दों की आज सर्जरी करने वाले हैं। वो नामर्द कैसे हैं मैं आपको बता रहा हूं। मर्द कौन होता है? मर्द होता है जो औरत की इज्जत करना सीखे। मर्द वो होता है कि अगर पत्नी बीमार है तो घर की रोटी बनाए, तो वो नामर्द नहीं होता, वो मर्द वो होता है। सिर्फ मोह छांट लेने से मर्दानगी नहीं आती है, और अगर मर्दानगी आती है तो आप मेडिकल स्टोर पे चले जाइए, जितने जोश वर्धक गोलियां बेची जाती हैं वो कोई महिला नहीं खाती है, वो पुरुष खाता है। और अगर मैं बता दूं कि अगर सेक्स करने में इतनी तुम लोगों की मर्दानगी है तो औरतों का पुरुषों के मुकाबले 8 गुना ज्यादा सेक्स करने की क्षमता होती है, मर्द कौन हुआ? तुम लोग मर्द हो, तुम लोग निहायत ही नामर्द हो। जो औरतों की इज्जत करना नहीं जानते हैं वो बिल्कुल नामर्द होते हैं। अभी ये रेप क्यों हो रहा है? इसका कारण है, कारण क्या? टीबी है। आप देखे हैं कभी रास्ते पर गुजर रहे हैं तो रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाता था तो पहले के लोग, गांव के अगल बगल के लोग खटोला लेके उसको लिटा के उसको वैद्य के यहां, डॉक्टर के यहां लेके जाते थे। ये नहीं जानते थे कि वो कहां का है, किसके घर का है, किधर जा रहा है। पहले उसकी दवा होता था, इतना ज्यादा हम मतलब मानवता था हमारे अंदर। अब क्या होता है, सड़क पे किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो वीडियो बनाना शुरू हो जाता है, ठीक है, और वीडियो बनाते हुए पूछते हैं जिंदा है कि मर गया, मर गया, अच्छा गाड़ी निकाले चल दी। इंसानियत खत्म हो गई है। क्यों? ये टीवी के वजह से हो रहा है। टीवी पे दिन भर क्या दिखा रहा है? वायलेंस दिखा रहा है, दिन भर मार धाड़ कत्ल खून खराबा दिखा रहा है। तो क्या होगा, समाज में मानवता रहेगा? नहीं रहेगा। टीवी में दिखा रहा है छोटे छोटे बच्चे शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तो उसको समाज पे जो बच्चे देख रहे हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? टीवी में यहां तक मैं तो बता रहा हूं ना, चप्पल निकाल के मारता उन टीवी वालों को देख जाता। एक सीरियल देख रहा था जिसमें कोई एक टीचर था
और उसका छात्रा से प्रेम प्रसंग का सीरियल चल रहा था। आप बता सकते हैं कि देश, ये देश कहां जाएगा? आप एक गुरु और एक शिष्य का संबंध क्या होता है आपको पता है? पिता और पुत्र और पिता और पुत्री के समान होता है। और टीवी में दिखा रहा है कि एक टीचर है, एक छात्रा है, अपनी मतलब स्टूडेंट से प्रेम का प्रसंग दिखा रहा है। टीवी वालों को जी करता ना चप्पल लेके मारे, 50 चप्पल खींच के मजाक बना के रख दिए हैं। दूसरा, अभी जब लॉकडाउन लगा था 21 मार्च के बाद देश में कोरोना को लेकर लॉकडाउन लगा था तो शराब बंद था। आप बता सकते हैं उस समय कितने रेप हुए? एक भी रेप की घटनाएं सुनने को नहीं आया। और जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ और जैसे शराब सरकार बेचना शुरू किया, वैसे ही रेप का हर दिन 83 महिलाएं पर डे रेप होता है। अकेले एक मनीषा नहीं है, अकेले एक निर्भया नहीं है, ऐसे 83 निर्भया और 83 मनीषा का रोज रेप होता है इस देश में। सरकार शराब नहीं बंद कर सकती है। चलिए, अब रेप को रोक कैसे सकते हैं? टीवी का बहिष्कार कर दीजिए, टीवी उठा के फेंक दीजिए घर से। यकीन मानिए टीवी ही आपके घर के पतन का कारण है, उठा के फेंक दीजिए। और बच्चियों को ना, ऐसे बच्चों को जब गलती करके आए ना तो दो चपाटा खींच के मारो। आप क्या करते हैं, बच्ची अगर देर से आ गई तो उससे 100 सवाल पूछते हैं, बच्चा अभागा 10 बजे रात को आए तो उससे कोई सवाल नहीं पूछते हैं। बेटों को सिखाते हैं, बेटे रोते नहीं हैं तो उनके अंदर मर्दानगी आती है। यही चीज बच्चियों को सिखाओ ना, बेटियां रोती नहीं हैं तब तो उनके अंदर आएगा। और मैं बेटियों से कहना चाहूंगा ना, ये चूड़ी कंगन लिपस्टिक और ये श्रृंगार करना बंद करो, खड़ा होको पुरुषों के समान खड़ा होको। और मैं तो ये कहूंगा कि अपनी बेटियों को एक एक रामपुरी चाकू दे दिया करो, क्योंकि सरकार यहां नपुंसक बैठी है, सरकार से कुछ होगा नहीं। सरकार तो खुद रेपिस्टों को सपोर्ट कर रही है, वो क्या न्याय देगी? तो एक रामपुरी चाकू खरीद के अपनी बिटिया को दिया करिए जब भी बाहर जाए, और उससे बोल दिया करिए कि जो अगर तेरे साथ कुछ भी होता है तो तुरंत मार दे, मार। जिस दिन यहां की महिलाओं के ऊपर देवी भगवती माता काली आने के बजाय फूलन देवी आना शुरू हो जाएंगी ना, तो रेपिस्ट यहां पे बलात्कारियों का पैदा होना ही बंद हो जाएगा। अब तो एकदम भाजपा का नारा ही बदल गया, बड़का झूठा पार्टी हो गया, BJP, बड़का झूठा पार्टी। इतना था तो गलीमत था, अब वो भी बदल गया है, बेटी जलाओ पार्टी अब हो गया है। दिन में बलात्कार करो, रात को 2:30 बजे बेटी को जला दो। हाथरस में DM ने कहा कि 25 लाख मिल रहा है ना तो चुप हो जाओ, ADM साहब। अब क्या बताएं, आपकी बिटिया भी मेरी बिटिया लगेगी, क्या बोले अब? 25 लाख अभी आपको दिया जाए और यही बात कोई कहे तो कैसा लगेगा आपको? अरे शर्म करिए। हम तो कह रहे हैं कि मोदी जी का इस्तीफा ही देश की सबसे बड़ी राहत पैकेज होगी, जल्दी से दे दीजिए मोदी जी, आपके बस का नहीं है बेटियों की इज्जत बचाना। स्मृति ईरानी जी, जब 2012 में निर्भया कांड हुआ था तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेजी थी, तो स्मृति ईरानी जी अगर आपके पास पैसा ना हो तो बताइए, हम लोग इकट्ठा चंदा करके भेज देंगे। चूड़ी के साथ साथ और महिलाओं की जितनी श्रृंगार की सामान होता है श्रृंगार का, वो सब आप भेजिए। अब किसको भेजना है? प्रधानमंत्री जी को भेजना है, उस समय तो बड़ी चिल्ला रही थी आप, अब आपको जो है कि सांप सुन गया है। अगर बलात्कारियों को हरामखोरों को बीच चौराहे पे समाज नहीं जला सकता है तो रावण को जलाने का नाटक आप बंद करिए। इस राम राज्य को नहीं चाहिए भैया, रावण राज्य ही सही था। कम से कम सीता सैकड़ों राक्षसों के बीच सुरक्षित तो थी, ऐसा राम राज्य नहीं चाहिए भैया, आप अपना राम राज्य रखे रहिए। सारी दुनिया की पुलिस किसी मामले की सबूत जुटाती है, उत्तर प्रदेश की पुलिस किसी मामले की सबूत को मिटाती है। तो इस प्रकार से मोदी जी की न्यू इंडिया जो है वो विश्व गुरु बनने के कगार पे है। जिस लड़की का रेप हुआ है उसके घर के, उसके गांव को चारों तरफ से बॉर्डर की तरह सील कर दिया गया है। पिता को, पत्नी को, उसके परिवार को किसी से नहीं मिलने दिया जा रहा है, नार्को टेस्ट होगा। हम तो ये कह रहे हैं सीधे उसके परिवार को फांसी दिलवा दीजिए, मामला खत्म कराइए।
एक मीडिया में है अर्णव गोस्वामी, रोज कहता है पूछता है भारत, पूछता है भारत, ए हरामखोर तुमसे मैं पूछता हूं कि एक बच्ची की जीभ कट गई, गर्दन की हड्डी टूट गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, चार लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया, अब तेरा बाप पूछेगा? कौन पूछेगा रे हरामखोर? अर्णव गोस्वामी पूछता है भारत, पूछती है देश की बेटियां अर्णव गोस्वामी, तेरे मुंह में सांप काट लिया है, अब तो हद हो गई है। रोज रोज बेटियों की रेप की घटनाएं सुनकर कोठे पे बैसी बेस्याओं ने रोते हुए कहा कि अरे हरामखोरों, तुमको शरीर का हवस मिटाना है तो फ्री में आओ, मैं मिटाती हूं, लेकिन देश की बेटियों को बख्श दो। ये स्थिति आ गई है और हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, धन्य हो प्रभु। हम तो कह रहे हैं बलात्कारियों के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा, उनका घर कुर्की कब होगा, और उनको जेल ले जाते समय उनका जो गाड़ी होगा वो कब पलटी मारेगा? पूछता है भारत, अर्णव गोस्वामी हरामखोर सुन। पूरा देश हिला दिया बलात्कार के इस दर्द ने, और एक चीख तक नहीं निकली दिन भर चिल्लाने वाले अर्णव गोस्वामी से। पूछता है भारत, चिल्लाता है हरामखोर। जिस दिन औरतों के ऊपर माता और भगवती आने की बजाय फूलन देवी आना शुरू हो जाएंगी ना, बलात्कारियों का पैदा होना ही बंद हो जाएगा, उनका वंश ही खत्म हो जाएगा। इस सरकार से कुछ होगा नहीं। देखो हमारे जो है ना प्रधानमंत्री जी, वो नई नवेली दुल्हन की तरह है, जो चूड़ी खनकाते हैं ज्यादा और काम करते हैं कम, ताकि घर में लगे कि बहू बहुत ज्यादा काम कर रही है। ठीक है, एक दिन में नोटबंदी हो सकती है, एक दिन में कानून पास हो सकता है, एक दिन में जीएसटी लग सकती है, लेकिन एक दिन में एक बिटिया का जो रेप करता है उसे फांसी नहीं हो सकता है। मैं तो कहता हूं फांसी ओसी का ड्रामा बंद किया जाए, सीधे सीधे उनको उनके घर के परिवार के लोगों के ऊपर छोड़ दिया जाए कि उनको क्या सजा देना है। फांसी मुकदमा करने की बजाय सीधे सऊदी अरबिया जैसा कानून लागू हो, जिन रेपिस्टों ने किसी की बिटिया का रेप किया हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी के बिटिया का रेप किया हो, बीच चौराहे पे 10 दिन पहले जैसे किसी चीज का प्रचार करते हैं, ऐसे प्रचार करके कि फला टाइम पे फला जगह फला चौराहे पे इन रेपिस्टों का सर कलम किया जाएगा, और वो दृश्य जब जो लड़का देखेगा ना, तो फिर दोबारा किसी की बिटिया को नजर उठा के नहीं देखेगा, सबको दीदी दीदी बोलेगा, मैं यकीन के साथ कह रहा हूं। चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद।